नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइलडना में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai की ऑल न्यू सब 4 मीटर SUV Venue के बारे में। क्या आपको लगता है कि अगर सेगमेंट में पहले से ही XUV 300 फोर्ड इको स्पोर्ट्स टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा के होते हुए अगर कहीं कोई गैप बन रहा था तो क्या Venue उसे फुलफिल कर पाएगी? अगर इन चारों गाड़ियों में पहले से कोई फीचर्स अगर मौजूद नहीं थे, मिसिंग थे, तो क्या Venue उन सारे फीचर्स को लेकर हाजिर है? कुछ कमियां अगर इन चारों गाड़ियों की तरफ से छूट गई थी तो क्या Venue उन कमियों को यहां पर पूरा कर पाएगी? जितने भी इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल थे पहले से, अगर उनमें कहीं कोई कमी रह गई है तो क्या Venue उस कमी को पूरा कर पाएगी? प्राइस फैक्टर हर एक गाड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या Venue का प्राइस फैक्टर इन सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ पाएगा? ये और ऐसे अगर कई सारे सवाल आपके जहन में हैं तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके से गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी का वॉक अराउंड, गाड़ी का रिव्यू, गाड़ी के डायमेंशंस, इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। मैं उन सारी कमियों पर एक नज़र डालने की कोशिश करूंगा जो अब तक किसी भी यूट्यूबर ने आपके साथ में शेयर नहीं की है। हालांकि जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो लोग उसकी एक्साइटमेंट में, उसकी भावनाओं में खो जाते हैं और खुली आंखों से हमारे सामने कई बार कई सारी चीज़ें और कमियां होती हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते। तो उन कमियों पर ही हम इस वीडियो को फोकस करेंगे। जितनी भी प्राइसेस मैं इस वीडियो में कोट करूँगा दोस्तों वो सारी एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगी। आपके यहाँ पर क्या प्राइस हो सकती है उसके लिए नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या Venue हमारे सारे सवालों के जवाब दे सकती है। दोस्तों आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेकर आती है तो उसे लॉन्च करने से पहले मार्केट की काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं। आई एम श्योर Hyundai ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन इस रिसर्च के पीछे एक लॉजिक होता है दोस्तों। वो लॉजिक ये होता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स में अगर कोई कमियाँ छूट गई हो तो वो कमियों को हम कैसे पूरा कर पाए और उन प्रोडक्ट से एक बेहतर प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर्स को कैसे दे पाएँ, इस लॉजिक के तहत नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर Venue या Hyundai उन मिसिंग फीचर्स को या उन कमियों को पूरा करते हुए नज़र नहीं आती। शुरुआत से अगर हम बात करें दोस्तों डिज़ाइन की, तो ये क्रेटा की एक छोटी बहन दिखती है और डिज़ाइन में मुझे कोई भी नयापन नहीं दिखता है, एक्सेप्ट अगर आप हेडलाइट की असेंबली देखें या उसके चारों ओर की LED की डिज़ाइन देखें या हैरियर की तरह अगर टर्न इंडिकेटर्स देखें तो वो ज़रूर इम्प्रेस करते हैं। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी नया इम्पैक्टफुल और अप मार्केट व्यू मुझे नज़र नहीं आता है। गाड़ी के साइड एंगल से, फ्रंट से अगर आप देखो तो वो क्रेटा ही नज़र आती है। पीछे से अगर आप इसे देखने की कोशिश करें तो बैक प्रोफाइल बहुत ही सिंपल, बहुत ही डल सा लगता है। और इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको एक ऐसे एहसास होगा कि आप सिर्फ एक क्रॉसओवर चला रहे हैं। उतनी मजबूती, माइटी, मस्कुलर रोड प्रेजेंस मुझे इस गाड़ी की नज़र नहीं आती। दोस्तों मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक आम इंसान की तरह, उसकी सोच की तरह और उसके एक्सपेक्टेशंस की तरह इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो के जरिए अगर मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचा पाया जिसके इस्तेमाल से अगर आप अपने मेहनत की कमाई बचा पाए और अपने लिए एक बेहतर प्रोडक्ट चुन पाए तो मुझे ज़रूर और बेहद खुशी होगी। दोस्तों मुड़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि Venue में किसी भी तरीके से कोई भी नया
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर का ना होना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है और ये इंडिया की पहली कनेक्टेड कार है। ज़रूर मैं इससे और सभी लोगों से एग्री करूंगा इस बारे में। थोड़ी देर के लिए ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी को हम साइड में रखते हैं दोस्तों और पीछे की तरफ मुड़ते हैं। जब फोर्ड इको स्पोर्ट्स को लेके आया था तो कम्प्लीटली कई सारी नई चीज़ें वो लोग इस गाड़ी में लेकर आए थे। टाटा ने नेक्सॉन को जब लॉन्च किया था तब उन्होंने भी कई सारी फर्स्ट इन क्लास फर्स्ट इन सेगमेंट की चीज़ें वो लोग अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। और रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो महिंद्रा XUV 300 ने कई सारे नए फीचर्स फर्स्ट इन क्लास और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स महिंद्रा XUV 300 लेकर आई थी। ऐसा करते हुए वेन्यू बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं वेन्यू की प्राइसिंग के बारे में। 6.5 लाख रुपए में Hyundai ने इसे लॉन्च किया है जिसकी वजह से ये सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी और गौर करने वाली चीज़ है कि 6.5 लाख रुपए में सबसे सस्ती गाड़ी बनने के बावजूद भी Hyundai आपको सिर्फ एक नेकेड कार देता है। और मेरी मानिएगा तो ये प्राइसिंग इंडियन कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने वाली और गुमराह करने वाली प्राइसिंग है। ऐसा क्यों है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे चलकर इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ में मैं वेन्यू को लेकर सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों के बेस वेरिएंट को भी कंपेयर करूंगा और आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। गाड़ी में इंटरनल स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी आपको खलेगी दोस्तों। सेगमेंट में सबसे कम स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलेगा। रियर सीट पर 3 लोगों का बैठ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और रियर सीट पर स्पेस भी बहुत कम है। गाड़ी इस सेगमेंट में हाइट विड्थ में और लेगरूम के स्पेस मामले में भी सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कम नजर आएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा ये गाड़ी आपको एक क्रॉसओवर का फील देगी। 9,35,000 रुपए खर्च करने के बावजूद दोस्तों या फिर 11,10,000 रुपए खर्च करके अगर आप DCT का वेरियंट लेते हैं तो इतने पैसे देने के बावजूद भी गाड़ी में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती। DCT वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे, आपको 6 या 7 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको नहीं मिलती हैं, रियर वाइपर्स आपको नहीं मिलते हैं, फ्रंट आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है और लेदर अपहोल्स्ट्री प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री आपको बिल्कुल भी इस गाड़ी में नहीं मिलती। ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन को सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में अवेलेबल होना और DCT के अलावा बाकी के जो इंजन ऑप्शन हैं उसे अगर हम सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो उनका अंडर पावर होना भी एक बहुत बड़ी कमी के तौर पर यहाँ पर नज़र आता है। अभी जैसे मैंने आपको DCT में कई सारे मिसिंग फीचर्स बताए उस पर अगर हम गौर करें तो ये भी साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ पर फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन में Hyundai की तरफ से बहुत बड़ी कमी नज़र आती है और उनका फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर कम्प्लीटली फेल नज़र आता है। Hyundai ने वेन्यू में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ज़रूर ऑफर करे हैं लेकिन अगर हम कंपटीशन को देखें तो उन सारी गाड़ियों में आपको वाइट कलर के ब्राइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं लेकिन वेन्यू में आपको रेगुलर येलो कलर के हेडलैम्प्स मिलते हैं। गाड़ी में बेसिक से बेसिक फीचर में मिसिंग है दोस्तों, जैसे कि सनग्लास होल्डर का ना होना, ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर का ना होना और ऑटोमेटिक IRVM का ना होना, ये भी छोटी छोटी कमियां Hyundai की तरफ छूटती हुई नजर आती हैं। गाड़ी में कई सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल यूजफुल फीचर्स नज़र नहीं आते। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो हर एक गाड़ी में नॉर्मली कम से कम एक ड्राइविंग मोड जिसे इको मोड कहा जाता है कम से कम वो प्रेजेंट है दोस्तों, लेकिन वेन्यू में किसी भी तरीके से कोई भी ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते जो कि सेगमेंट बाकी सारी गाड़ियों में कॉम्पिटिशन आपको अवेलेबल कराता है। अब जानते हैं दोस्तों कि वेन्यू का जो बेस वेरिएंट है जो कि 6.5 लाख रुपए में आता है उसमें Hyundai आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है और कंपैरिजन में बाकी सारी गाड़ियां बेस वेरिएंट में आपको कौन से फीचर्स ऑफर करती है। तो जहां तक 6.5 लाख रुपए में वेन्यू की बात है दोस्तों, इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS प्लस ABD मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज मिलेंगे, मैनुअल AC मिलेगा और पावर स्टीयरिंग मिलेगी। उसी के कंपैरिजन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन की गाड़ियां उनके बेस वेरिएंट में आपको क्या चीज़ें और कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। महिंद्रा XUV 300 की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसका बेस वेरियंट लगभग वेन्यू के वेरियंट से 1,40,000 रुपये महंगा आएगा। उसके बावजूद ये गाड़ी कई सारे यूजफुल और ज़रूरी अप मार्केट फर्स्ट इन क्लास एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको ऑफर करेगी। तो चलिए जानते हैं कि XUV 300 के बेस वेरिएंट में आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा दोस्तों 2 एयरबैग, ABS प्लस ABD,
कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा, आपको बेस वेरिएंट से ही चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे, कोलेप्सिबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच आपको यहाँ पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एचवीएसी आपको मिलेगा, स्मार्ट स्टीयरिंग विथ स्टीयरिंग मोड्स आपको मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलेगा, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज मिल जाएंगे, डीजल के वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाएगा, ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स जैसे फीचर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी का फीचर्स भी मिलता है। सेकेंड रो आपको 60-40 स्प्लिट की सीट्स के साथ अवेलेबल होता है। गाड़ी में आपको डीजल के बेस वेरिएंट में चार स्पीकर मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सारे सीट्स पर सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ में आपको अवेलेबल होता है इस गाड़ी में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, टायर पोजीशन डिस्प्ले मिलता है और बहुत ही बड़ा सा एक डीप ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें से कई सारे फीचर्स आपको वेन्यू में मिसिंग नजर आएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन Hyundai Venue के बेस वेरिएंट से तकरीबन 15,000 रुपये महंगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी भी आपको Venue से कई ज़्यादा फीचर रिच और कई यूजफुल फीचर्स यहाँ पर ऑफर करेगी। तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्सॉन में आपको 3D हेडलैम्प्स मिलेंगे, LED टेल लैम्प्स आएंगी, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगा, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉयलर मिलेगा, ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, ग्लव बॉक्स मिलेगा, हालांकि उसका स्पेस ठीक ठाक है लेकिन उसमें ग्लव बॉक्स मोड्स में दो कप होल्डर, एक वॉलेट होल्डर और कार्ड होल्डर की जगह मिलेगी। इस गाड़ी में आपको अम्ब्रेला रखने के लिए अलग से फ्रंट डोर में एक स्पेस मिलेगा, 100% फ्लैट रियर सीट्स मिलेंगे, गियर शिफ्ट डिस्प्ले इंडिकेटर मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, दो एयरबैग ABS प्लस EBD और इसके अलावा मल्टी ड्राइव मोड्स आपको नेक्सॉन में देखने को मिल जाएंगे। कई सारे ज़रूरी फीचर्स है दोस्तों जो नेक्सॉन में है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि वेन्यू में वो ज़रूरी फीचर्स मिसिंग है। अब बात करते हैं आगे मुड़ के फोर्ड के इको स्पोर्ट्स की, कि इको स्पोर्ट्स में आपको क्या मिलता है। इको स्पोर्ट्स में दोस्तों आपको मिलता है सेफ क्लच स्टार्ट का ऑप्शन, ABS प्लस EBD, दो एयरबैग्स आपको मिलेंगे, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, चारों के चारों पावर विंडोज मिलेंगे, एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सीट के हेडरेस्ट मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, ऑडियो का ऑप्शन आपको मिलेगा AM, FM, USB और ब्लूटूथ सिस्टम के साथ में, और आपको चार स्पीकर मिलेंगे, प्लस एक डिवाइस डॉकिंग स्टेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर अलग से एक जगह मिलेगी जहां पर आप अपना डिवाइस डॉक कर सकते हैं। 100% फ्लैट फोल्ड रियर सीट मिलेगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा, फ्यूल इकोनॉमी विथ आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी आपको इको स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों कि कई सारे यूजफुल फीचर्स आपको इको स्पोर्ट्स में भी मिलते हैं, हालांकि ये 1,19,000 रुपये महंगी आती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं Hyundai की ड्यूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी और यूजफुल फीचर है दोस्तों सभी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं अपनी तरफ से इस चीज़ का स्वागत भी करता हूँ। लेकिन जब मैं इसे कंपेयर करता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ ज़रूरी फीचर्स इम्पॉर्टेंट हो और उसके कंपैरिजन में या उसके अलावा मुझे अगर ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल रही हो तो मैं ज़रूर उसे लेना पसंद नहीं करूँगा। और छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि DCD का ऑप्शन ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ लेने के बावजूद, सेम अमाउंट स्पेंड करने के बावजूद अगर मुझे सिर्फ दो एयरबैग्स मिलते हैं और वहीं पर इको स्पोर्ट्स में अगर मुझे 6 एयरबैग्स मिलते हैं या किसी भी और गाड़ी में जैसे कि XUV300 में मुझे 7 एयरबैग्स मिलते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है दोस्तों उन गाड़ियों को लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ना कि ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी को। वो सारे मेरे भाई और कंज्यूमर्स अगर जिन्हें ऑटोमेटिक से प्यार नहीं है लेकिन अगर अपनी सेफ्टी को ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना चाहते हैं और थोड़े से यानी कि 1,00,000 रुपये का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस से अगर उसे नज़रअंदाज करते हैं और उनका बजट अगर है, तो वो XUV300 के साथ जा सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा व्हील बेस, वेन्यू से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, 300 Nm का टॉर्क मिलेगा और कई सारे फर्स्ट इन क्लास फर्स्ट इन सेगमेंट
फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपकी सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको बचाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू गेट स्टक इनटू एनी इमरजेंसी और एक्सीडेंटल सिचुएशंस। वहीं अगर ऑटोमेटिक ही अगर आप लेना चाहते हैं तो भी मैं इको स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे 6 एयरबैग्स मिलते हैं जो मेरी सेफ्टी ज़्यादा बरकरार रखते हैं। कंपैरेटिवली वेन्यू में मुझे सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इस पूरे सेगमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस पूरे सेगमेंट में आपको सिर्फ 2 ओरिजिनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स मिलते हैं। एक आता है फोर्ड में जो कि टॉप कन्वर्टर यूनिट है, और एक आता है ह्यूंडई में जो कि डीसीडी ऑप्शन है। फोर्ड के टॉप कन्वर्टर यूनिट से डीसीडी का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है, ये ज़्यादा एडवांस भी है। दोनों की अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो इको स्पोर्ट्स का जो टॉप कन्वर्टर यूनिट है वो सिर्फ 2500 रुपये सस्ते आता है वो वेरिएंट, लेकिन उस वेरिएंट में आपको कई सारे यूजफुल फीचर्स और फीचर रिच कार मिल जाती हैं जो वेन्यू में आपको नहीं मिलते। और मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से कंपेयर करें और मेरी मानिएगा तो फोर्ड इको स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर एक बेहतर चॉइस नज़र आएगी। ऐसा क्यों है? वो फीचर्स जो इस डीसीडी यूनिट में मिसिंग है वेन्यू में वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के फीचर्स तकरीबन सेम हैं, लेकिन फोर्ड इको स्पोर्ट्स में आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, आपको गाड़ी में साइड और कर्टन एयरबैग्स यानी कि टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं इको स्पोर्ट्स में, जबकि वेन्यू में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। सेम अमाउंट खर्च करने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स वेन्यू में मिसिंग है, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इको स्पोर्ट्स में आपको टेल टेन टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि आपको वेन्यू में नहीं मिल पाता। आपको रियर वाइपर एंड वॉशर यहां पर नहीं मिलता है वेन्यू में, जो कि आपको इको स्पोर्ट्स में अवेलेबल हो जाता है। रियर से 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी आपको वेन्यू में नहीं मिलता है जो कि आपको इको स्पोर्ट्स में मिल जाता है। अंडर पावर इंजिन्स होने के बावजूद ये कई सारी कमियां हैं यहाँ पर जो वेन्यू में मुझे नज़र आती हैं, और उन सारे सवालों के जवाब वेन्यू नहीं दे पाती है जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछे थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वेन्यू सेगमेंट में जो भी कमियां थी उन्हें पूरा कर पाती है, या बाकी गाड़ियों में जो भी लूप होल्स थे उनसे उभर कर ये एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव है किसी टॉपिक पर अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा दोस्तों। Hasta la vista, till we meet again. धन्यवाद।